Hey friends, मैं हूँ शालिनी and welcome to my channel Tips to Top by Shalini. आज के वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही अच्छा फेस मास्क शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके फेस की पिगमेंटेशन टैन को रिमूव करने में बहुत हेल्पफुल रहता है. इस फेस मास्क को अप्लाई करके आप खुद देखेंगे कि आपके जो फेस की पिगमेंटेशन है या फिर जो आपके फेस पे टैन हो गया है उसे रिमूव करना कितना ज्यादा ईजी है. तो इस फेस मास्क की पूरी डिटेल्स आपको वीडियो में मिलेगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. तो फिर चलिए बिना लेट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें चाहिए सबसे पहले रोज़ वाटर, और ये रोज़ वाटर जो है वो है हॉलिस्टिक तत्व का. मैं यहाँ पे सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हॉलिस्टिक तत्व के ही यूज़ कर रही हूँ. उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी मुल्तानी मिट्टी. आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कौन सा मुल्तानी मिट्टी अच्छा है, तो मैं आपको ये मुल्तानी मिट्टी ज़रूर रिकमेंड करूँगी. फिर नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मुलेठी पाउडर, और ये भी आपको हॉलिस्टिक तत्व का मिल जाता है. और लास्ट में मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लाइम पील पाउडर, जो कि आप लोगों को ईजिली नहीं मिलता बट यहाँ मिल सकता है. आई एम श्योर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग इतने सारे प्रोडक्ट को बाय करेंगे देन अपने फेस की पिगमेंटेशन एंड टैन को रिमूव करेंगे. तो डोंट वरी, ये जो पूरी किट है ये आपको एक साथ मिल जाती है और ये आपको केवल 799 रुपीज़ में मिल जाती है, जहाँ पे आपको मुलेठी पाउडर, लाइम पील पाउडर, मुल्तानी मिट्टी और रोज़ वाटर, ये चारों चीज़ें मिलती है जो कि आपके फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. तो फिर चलिए फेस पैक बनाना स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ मुलेठी पाउडर, और इसको मैं इस स्पून से मेज़र कर रही हूँ. मैंने एक स्पून मुलेठी पाउडर लिया है और एक स्पून मैं यहाँ पे ऑरेंज पील ऑफ लूँगी, जो कि मुझे ये स्पून इसके साथ ही मिल जाता है. देन मैं इसमें से मुल्तानी मिट्टी लूँगी, और मुल्तानी मिट्टी आप लोग अपने फेस के अकॉर्डिंग ले, मतलब जितना आपको अप्लाई करना हो. तो यहाँ पर मैंने मुल्तानी मिट्टी भी अप्रॉक्स 1 स्पून ही लिया है. लास्ट में मैं यहाँ पे ऐड करूँगी रोज़ वाटर, और रोज़ वाटर आपको इतना ऐड करना है कि आपका जो ये पेस्ट है वो अच्छा फेस पैक बन जाए. तो बस ये ऐड करने के बाद अब इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है. तो मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका एक फाइन पेस्ट तैयार है. अब बारी है इसको अप्लाई करने की, जिसका एक तरीका है. सबसे पहले आपको रोज़ वाटर को आपके फेस पे इस तरीके से स्प्रे कर लेना है, और स्प्रे करने के बाद आपको इसे आपके फेस पे अच्छे से टैप करना है ताकि रोज़ वाटर जो है वो आपके स्किन में अच्छे से चला जाए और एब्जॉर्ब हो जाए. और जब ये रोज़ वाटर आपके फेस पे अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो फिर आपको आपने ये जो मुल्तानी मिट्टी का पैक बनाया है उसे अपने फेस पे अप्लाई करना है. और बिलीव मी गाइस, ये जो पैक बना है ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब बहुत ही ईजली आपके फेस पे अप्लाई हो जाता है. और जो आप मार्केट से नॉर्मल मुल्तानी मिट्टी लाते हैं उससे ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है. तो फ्रेंड्स, ये जो हॉलिस्टिक तत्व के प्रोडक्ट्स हैं ये आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों पे मिल जाते हैं, और मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर एक बार चेकआउट करें. तो यहाँ पे मैंने इस पैक को अप्लाई कर लिया है, और मैं इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी 10 मिनट तक. और 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है. तो अब आपको इसे वाटर से वॉश नहीं करना है, आपको इसके ऊपर रोज़ वाटर को इस तरीके से स्प्रे करना है ताकि ये दोबारा से पूरा वेट हो जाए. और जब ये अच्छी तरीके से वेट हो जाएगा तो आपको इससे जेंटली अपने फेस पे मसाज करना है. जब आप इससे मसाज करते हैं तो ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छी तरीके से सूद करता है, और जो भी आपकी पिगमेंटेशन है और आपके फेस पे जो टैन हो गया है उसको रिमूव करने में बहुत हेल्पफुल रहता है. तो बस यहाँ पे मैंने मसाज कर लिया है, अब मैं इसे कर लूँगी वॉश. तो वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो भी आपके लिप्स के अराउंड पिगमेंटेशन होती है या फिर जो आपके फॉरहेड पे पिगमेंटेशन होती है वो सब बहुत ही ईजिली रिमूव हो जाएगी. तो ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. आई होप फ्रेंड्स ये फेस मास्क आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा. अब आप अपने फेस की पिगमेंटेशन और टैन को घर पे ही बहुत ही इजीली रिमूव कर पाएंगे, और ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा. तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन बाय बाय.